नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं नोशन हब। और इस वीडियो में हम देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमारे चैनल को बहुत मदद होगी। अगर बाद में आपको वीडियो पसंद हुआ तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इस फोन में बाई डिफॉल्ट 3-बटन नेविगेशन बार मिलता है और अगर आप चाहो तो फुल स्क्रीन नेविगेशन जेस्चर्स भी इनेबल कर सकते हैं। नेविगेशन जेस्चर्स इनेबल करने के बाद अगर आपको होम स्क्रीन को जाना है तो स्क्रीन के बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिए और आप होम स्क्रीन को जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रीसेंट एप्स को जाना है तो नीचे की तरफ से स्वाइप और होल्ड कीजिए और आप रीसेंट टास्क को जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एक स्टेप बैक लेना है तो लेफ्ट से या राइट से एक बार स्वाइप कीजिए। नेक्स्ट, अगर आपको गूगल असिस्टेंट को ट्रिगर करना है तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर या बॉटम राइट कॉर्नर से डायगनली स्वाइप कीजिए और गूगल असिस्टेंट ट्रिगर हो जाएगा। इसके अलावा आप बॉटम पे स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट भी कर सकते हैं। इस जेस्चर को यूज करके आप क्विकली एप्लीकेशंस के बिटवीन स्विच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्प्लिट स्क्रीन मोड। स्प्लिट स्क्रीन मोड ऐसा एक फीचर है जिससे आप 2 एप्लीकेशंस एक ही बार यूज कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन मोड यूज करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, पहले आपको रीसेंट एप्स पेज को जाना पड़ेगा और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन को आप स्प्लिट स्क्रीन मोड में ओपन करना चाहते हो उस एप्लीकेशन आइकॉन पे क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए स्प्लिट स्क्रीन। उसके बाद वो एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन मोड में ओपन हो जाएगा और सेकेंडरी एप्लीकेशन नीचे दिए गए लिस्ट से चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो होम स्क्रीन को भी जाके सेकेंडरी एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन मोड ओपन करने के बाद अगर आप चाहो तो इन विंडोज को रिसाइज कर सकते हैं, इन एप्लीकेशंस को चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इस कॉम्बिनेशन को सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें इस फोन में पॉपअप व्यू भी मिलेगा। पॉपअप व्यू की मदद से हम एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडोज में ओपन कर सकते हैं। उसके लिए भी फिर से हमें रीसेंट एप्स पेज को जाना पड़ेगा। जिस एप्लीकेशन को आपको फ्लोटिंग विंडो में ओपन करना है उसके एप्लीकेशन आइकॉन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पॉपअप व्यू सिलेक्ट कीजिए। ऐसे करने से वो एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप व्यू को आप रिसाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन एप्लीकेशन की तरह मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप चाहो तो इस फ्लोटिंग एप्लीकेशन का ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो इस एप्लीकेशन को क्लोज भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपके फोन में जो भी एप्लीकेशंस हैं वो सभी एप्लीकेशंस स्प्लिट स्क्रीन मोड या पॉपअप व्यू सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे एप्लीकेशंस सपोर्ट करते हैं मगर कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो अभी भी सपोर्ट नहीं करते, तो इसके लिए एक छोटा सा फिक्स है। उसके लिए हमें पहले डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए सेटिंग्स को जाइए, उसके बाद अबाउट फोन, उसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कीजिए और बिल्ड नंबर पर 7 टाइम्स क्लिक कीजिए। उसके बाद डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो जाएगा, तो पीछे से सेटिंग्स को जाइए और उसके बाद डेवलपर ऑप्शंस को ओपन कीजिए। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके इनेबल फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, इस टॉगल को इनेबल करके फोन को एक बार रिस्टार्ट करिए। उसके बाद आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन है मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन मोड को सपोर्ट करेगा। अब हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कैमरा जेस्चर्स। सबसे पहले आप कैमरा शटर बटन को स्वाइप कीजिए। ऐसे करने से एक फ्लोटिंग बटन आ जाएगा और इस बटन को आप किसी भी जगह रख सकते हैं और जब भी आप वो बटन को क्लिक करेंगे आपका फोन फोटो खींचेगा। ये एक्चुअली एक ओल्ड फीचर है और नए फोन्स में अगर आप स्वाइप करोगे तो आपका फोन डायरेक्टली बर्स्ट शॉट ले लेगा। ये भी एक बहुत यूजफुल जेस्चर है। नेक्स्ट, हमें इस फोन में पाम जेस्चर भी मिलता है। इस फीचर को इनेबल करने के बाद सिर्फ आपके फ्रंट कैमरा या रियर कैमरा को सिर्फ पाम जेस्चर दिखाना है और आपका फोन 2 सेकंड के बाद फोटो खींच लेगा। ये पर्टिकुलर जेस्चर सेल्फीज लेने के लिए बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट, हमें इस फोन में लाइव वॉलपेपर्स का फीचर भी मिलता है, तो आप किसी भी वीडियो को एक लाइव वॉलपेपर की तरह सेट कर सकते हैं। ये रहा प्रीव्यू। नेक्स्ट, हमें इस फोन में एज नोटिफिकेशंस भी मिलते हैं। किसी भी एंड्रॉइड फोन में अगर आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपको हेडसअप नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा इस फोन में आपको एज नोटिफिकेशन भी मिलेगा जिससे फोन के एजेस पे एक लाइटिंग इफेक्ट भी मिलेगा। अगर आप चाहो तो इस लाइटिंग इफेक्ट को चेंज कर सकते हो, डिसेबल या इनेबल भी कर सकते हो और डिफरेंट स्टाइल्स के बिटवीन चूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट, हमें इस फोन में एज पैनल भी मिलता है जो एक सैमसंग का यूनिक फीचर है। इस फीचर को इनेबल करने के बाद आप डिफरेंट पैनल्स चूज कर सकते हैं, एप्स पैनल, पीपल पैनल, टास्क्स पैनल, वेदर, रिमाइंडर्स, सो ऑन। एज पैनल फीचर इनेबल करने के बाद आपको एक साइड में इंडिकेटर मिल जाएगा, उसे स्वाइप करने से आप इन पैनल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इनमें एप्लीकेशन का पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल पैनल है। इस पैनल से हम इजीली किसी भी एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन मोड में ओपन कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को पॉपअप व्यू में भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन मोड में ओपन करना है तो किसी भी एप्लीकेशन को टॉप या बॉटम ऑफ द स्क्रीन ले जाइए और अगर आपको एप्लीकेशन को पॉपअप व्यू में ओपन करना है तो एप्लीकेशन को स्क्रीन के सेंटर पे ले जाइए और वो एप्लीकेशन पॉपअप व्यू में ओपन हो जाएगा।
इन एप्लीकेशंस को आप एडिट भी कर सकते हैं और आपके फोन में जो भी एप्लीकेशंस हैं वो सभी एप्लीकेशंस को भी यहां से ही एक्सेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्योर फोल्डर। सिक्योर फोल्डर एक सिक्योरिटी फीचर है सैमसंग की तरफ से, जिसमें आपको बहुत सारे इंटीग्रेटेड फीचर्स मिलते हैं, जैसे सिक्योर एप्स, सिक्योर फोल्डर और सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स। आप सिक्योर फोल्डर के रिलेटेड सेटिंग्स नोटिफिकेशन टॉगल से या तो सिक्योरिटी सेटिंग से चेक कर सकते हैं। सिक्योर फोल्डर को इनेबल करने के बाद आप एप्लीकेशंस को सिक्योर कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फाइल्स, फोटोज, वीडियोस जो भी हो वो सभी फाइल्स को हाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इस फीचर को इनेबल करने के बाद जब भी आप आपके फोन को लॉक करोगे तो आपका डिस्प्ले टाइम, नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन भी दिखाएगा। अगर आप चाहो तो सेटिंग से इसका प्रीव्यू चेंज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक कस्टमाइज्ड मैसेज भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट्स लेना हो तो सबसे आसान तरीका है बटन्स यूज करने का। आपको सिर्फ वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को एक ही बार दबाना है और आपका फोन स्क्रीनशॉट ले लेगा। इसके अलावा आपको एक डेडिकेटेड टॉगल भी मिलेगा, तो आप डायरेक्टली नोटिफिकेशंस टॉगल्स को भी जाके स्क्रीनशॉट टॉगल को दबाइए और आपका फोन स्क्रीनशॉट ले लेगा। इस फोन में हमें पाम जेस्चर भी मिलता है। इस फीचर को इनेबल करने के बाद आप सिर्फ आपके फोन के ऊपर पाम का स्वाइप जेस्चर कीजिए और आपका फोन स्क्रीनशॉट ले लेगा। नेक्स्ट, हम इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। उसके लिए हम बटन्स यूज कर सकते हैं या तो जेस्चर यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें एक प्रीव्यू भी दिखेगा और प्रीव्यू के नीचे एक डाउन एरो बटन भी मिलेगा। वो बटन को क्लिक कीजिए और पेज स्क्रोल होगा और आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी मिलेगा। अगर आपको और भी लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो बटन दबाते रहिए। नेक्स्ट, अगर आपको इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए नोटिफिकेशन टॉगल्स को जाइए और स्क्रीन रिकॉर्डर आइकॉन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद परमिशंस दे दीजिए। अगर आप चाहो तो सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो फोन के साउंड्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक से भी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो सारे वॉइस को भी म्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्ट्रा पावर सेविंग मोड। नॉर्मली सभी एंड्रॉइड फोन्स में बैटरी सेवर मोड होता है, मगर हमें सैमसंग फोन्स में अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी मिलता है। इस मोड को इनेबल करने के बाद सीपीयू प्रोसेसिंग पावर को कम कर देता है और जो भी चीजें आपके फोन में बैटरी खा जाते हैं वो सारे एप्लीकेशंस और सर्विसेज को किल कर देता है या तो फिर कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है। और डार्क मोड भी इनेबल करता है और आपको कुछ ही एप्लीकेशंस का एक्सेस देता है। तो ऐसे करने से आपका फोन का स्टैंड बाय टाइम बहुत सारा बढ़ जाता है। लाइक 10% के बैटरी से आप आसानी से 4-5 घंटे भी चला सकते हैं। मैं यूसेज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, स्टैंड बाय टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से स्टैंड बाय टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। तो कभी भी आप बाहर हो, फोन में चार्जिंग नहीं है, फोन ऑन रहना बहुत जरूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अल्ट्रा पावर सेविंग मोड इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें इस फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है, तो आप जो भी कॉल रिकॉर्डिंग के रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो सभी यहां से कर सकते हैं। ये कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर इंडिया में तो अवेलेबल है मगर सारे कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके फोन में ये फीचर नहीं है तो शायद आपके कंट्री में ये फीचर बैंड है। तो यहां से आप कॉल रिकॉर्डिंग के रिलेटेड सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो सारे कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं या तो कोई सेलेक्टेड कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं या तो अननोन नंबर्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप डिफॉल्ट एप्लीकेशंस को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें सेटिंग्स को जाना पड़ेगा और डिफॉल्ट ऐप सेक्शंस में जाना पड़ेगा। यहां से आप डिफॉल्ट ब्राउजर, डिफॉल्ट एसएमएस एप्लीकेशन, डिफॉल्ट वीडियो प्लेयर ये सब चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बैटरी के परसेंटेज स्टेटस बार पे दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम इस फोन में फास्ट चार्जिंग भी डिसेबल कर सकते हैं। नॉर्मली फास्ट चार्जिंग अच्छी चीज होती है, फोन क्विकली चार्ज हो जाता है, मगर फास्ट चार्जिंग का टेक्नोलॉजी यूज करने से बैटरी का लाइफ टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आपको चार्जिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, फोन अगर स्लो भी चार्ज होता हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहां से फास्ट चार्जिंग डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आप यूजुअली आपके फोन सारी रात चार्ज करते हो तो फास्ट चार्जिंग डिसेबल करना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट, हम इस फोन में फ्लैशलाइट की इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें नोटिफिकेशन टॉगल्स को जाना पड़ेगा और फ्लैशलाइट का जो भी टॉगल है उसके नाम पे क्लिक कीजिए और आपको एडिशनल सेटिंग्स मिलेगा। यहां से आप फ्लैश का इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमें इस फोन में क्विक सेटिंग्स भी मिलते हैं। नॉर्मली कोई भी एंड्रॉइड फोन ले लो, जो भी नोटिफिकेशन टॉगल्स होते हैं वो सिर्फ टॉगल्स ही होते हैं, जैसे कि आप सिर्फ क्लिक कर सकते हैं। मगर इस फोन में आप टॉगल के नाम पे क्लिक करने से आपको एडिशनल ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि आप वाईफाई पे क्लिक करो तो वाईफाई के नाम दिखते हैं, ब्लूटूथ पे क्लिक करो तो ब्लूटूथ डिवाइसेस के नाम दिखते हैं, जैसे कि टॉर्च पे क्लिक करो तो टॉर्च की इंटेंसिटी की सेटिंग्स मिलते हैं। तो ये फिर से एक सैमसंग के यूनिक फीचर है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्रीन जेस्चर्स। पहले नोटिफिकेशन जेस्चर्स देखेंगे। अगर आप सिंगल फिंगर से स्वाइप डाउन करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस दिखेंगे, और अगर आप टू फिंगर्स के साथ स्वाइप करोगे तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन टॉगल्स मिलेंगे। हमें होम स्क्रीन पे भी कुछ जेस्चर्स मिलेंगे। आप होम स्क्रीन पे अगर स्वाइप अप या स्वाइप डाउन करोगे तो बाय डिफॉल्ट ऐप डोर ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो होम स्क्रीन सेटिंग्स को जाके इस सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप स्वाइप डाउन जेस्चर करोगे तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर नीचे आ जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स को आना पड़ेगा। यहाँ से एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको अनहाइड करना है फिर से आपको यहीं पे आना पड़ेगा। अगर आपको इन हिडन एप्लीकेशन को ओपन करना है तो फिर से आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स को ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डायनेमिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर या वॉलपेपर सर्विसेज। बाय डिफॉल्ट सारे सैमसंग फोन्स में लॉक स्क्रीन के लिए वॉलपेपर सर्विसेज या डायनेमिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर का फीचर जो है वो इनेबल रहता है। इससे क्या होता है कि आप लॉक स्क्रीन में जाके कभी भी लेफ्ट या राइट स्वाइप करोगे तो आपको डिफरेंट वॉलपेपर्स मिलेंगे। कुछ लोगों को ये फीचर पसंद है और कुछ लोगों को पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप यहां से इस फीचर को डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको ये लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर्स पसंद है तो आप यहां से इस फीचर को ट्विक कर सकते हैं, ताकि आपको आपके चुने हुए वॉलपेपर्स को ही डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कुछ ही कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इस फोन में स्वाइप टू कॉल और मैसेज का जेस्चर भी मिलता है, जो सैमसंग फोन्स का यूनिक फीचर है। ये फीचर को इनेबल करने के बाद डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स पे आप राइट को स्वाइप करके उस कॉन्टैक्ट को कॉल कर सकते हैं, या तो फिर लेफ्ट को स्वाइप करके डायरेक्टली SMS मैसेज भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहे इस फोन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर मैंने कोई इम्पोर्टेंट फीचर भूल गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डेफिनेटली डिसलाइक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।